मुझे बताओ टीडी एंड सीडी याद है आपको, व्हाट आर द टू डिस्काउंट्स यू गिव इन ट्रेड? व्हाई डू यू गिव ट्रेड डिस्काउंट? फॉर बाइंग इज बल्क पॉइंट, लार्ज पॉइंट, राइट? बट आपको ट्रांजैक्शन में कहीं मेंशन करके देंगे नहीं बल्क है कि नहीं है, तो आपको टीडी दिखे तो लेना ही है, वेदर इट इज कैश वेदर इट इज क्रेडिट, यू हैव टू टेक टीडी, यू हैव टू टेक टीडी. बट व्हाट अबाउट सीडी? सीडी यू टेक ओनली ऑन द कैश, कैश क्रेडिट पे लेने का नहीं. फर्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम अजय, 10% टीडी एंड 5% सीडी. पार्टी का नाम दिया है, यस, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया, सो क्रेडिट. व्हिच डिस्काउंट? ओनली टू टीडी. 5,000 पे 10% इज 500, नेट अमाउंट इज 4,500. एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 4,500, दैट क्लियर? परचेज टू अजय 4,500, मिला? हेलो, परचेज गुड्स ऑफ 5,000, 10% टीडी एंड 5% सीडी. यहाँ पे तो पार्टी का नाम ही नहीं है, तो कैश ही हो गया. देखो क्रेडिट पे होने के लिए दोनों कंडीशन चाहिए, पार्टी का नाम एंड और कैश परचेज नहीं चाहिए. बट अगर दोनों में से एक भी वायलेट हुआ तो कैश हो जाता है. मतलब पार्टी का नाम नहीं दिया है वो भी कैश, और फॉर कैश दिया है वो भी कैश, समझे? फर्स्ट वाले में यू टेक ओनली टीडी, 5,000 पे 10%, 500, नेट अमाउंट इज 4,500. डोंट टेक सीडी, व्हाई? क्रेडिट पे, तो परचेज टू अजय 4,500. पहले वाले में सीडी नहीं लेना था, क्यों? क्रेडिट पे, तो परचेज टू अजय 4,500, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देन परचेज गुड्स ऑफ 5,000 एंड 10% टीडी एंड 5% सीडी, सो विच डिस्काउंट यू कंसीडर? टीडी एज वेल एज सीडी. तो पहले यू टेक 5,000 पे 10%, विच इज 500, नेट अमाउंट इज 4,500. उसमें यू टेक 5% सीडी, विच इज 225, सो नेट अमाउंट इज 4,275. आपका एंट्री बनना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव. परचेज अकाउंट डेबिट में कितना? 4,500. टू कैश में 4,275. डिस्काउंट रिसीव में 2,25. परचेज टू कैश टू डिस्काउंट, ईडी सीडी दोनों. थर्ड वन, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू विजय एट 5% ईडी एंड 2% सीडी. कैश और क्रेडिट, क्रेडिट पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं है. विच डिस्काउंट यू कंसिडर? ओनली टीडी. सो 10,000 का 5%, दैट इज 500, नेट अमाउंट इज 9,500. बस सीडी लेने का एंट्री होगी विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,500. विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,500, इज क्लियर? हेलो. फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश वर्थ 4,000 एंड 10% टीडी 2% सीडी. दिस वाज प्योरली ऑन कैश, व्हिच डिस्काउंट शुड कम? बोथ, टीडी एज वेल एज सीडी. सो पहले तो ग्रॉस प्राइस है 4,000, उसका 10% दैट इज 400, नेट अमाउंट इज 3,600 पे यू टेक 2%, आपका एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कैश अकाउंट डेबिट 3,528, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 72, टू सेल्स 3,600, बराबर छे? परचेज गुड्स ऑफ 7,000 एट 10% टीडी. पार्टी का नाम है नहीं, इट्स ऑन कैश, कैश ट्रांजैक्शन हो गया. बाड़ी का नाम ही नहीं था तो कैश हो गया. अच्छा कैश ट्रांजैक्शन है तो कौन सा डिस्काउंट लेते? दोनों, टीडी एज वेल एज सीडी. बट सीडी तो है ही नहीं, तो जीरो, तो खाली, हाँ जीरो, खाली टीडी लो. तो 7,000 का 10% इज 700, नेट अमाउंट इज 6,300. एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 6,300. डिस्काउंट आएगा नहीं आएगा क्योंकि टीडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, किसी ने किया हो परचेज टू कैश टू डिस्काउंट नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया, कोई तो होगा, कोई भी नहीं है. परचेज टू कैश 6,300, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, पक्का? ऐसा मत सोचना कि सीडी नहीं है तो टीडी को डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता. टीडी कहीं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता,
यहां पे सीडी नहीं है तो नील कर दे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 है 2% सीडी वाया डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बोला मतलब कैश बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों लेना है टीडी सीडी, लेकिन वापस यहाँ पे टीडी नहीं है तो अज्यूम क्या करना है, नील करना है। 15,000 पे पहले जीरो टीडी तो 15,000 उसमें यू टेक 2% सीडी, सो आई थिंक दैट इज 300, नेट अमाउंट इज 14,700, इज दैट क्लियर। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट सीडी, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक 14,700 टू डिस्काउंट रिसीव 300, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक 14,700 टू डिस्काउंट रिसीव 300। ये काफी लोगों का गड़बड़ होता है, हुआ भी हो सकता है, हुआ हो, इसमें मिस्टेक होती है पता नहीं क्यों, आई थिंक टीडी ना होने की वजह से, टीडी नहीं है तो वो क्या अज्यूम कर रहे हैं आपको, नील, गॉट इट, टीडी वॉज नील तो डायरेक्टली टेक सीडी, और सीडी है ना बुक्स में तो रिकॉर्ड होगा, तो परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट, गॉट इट, आपने शायद परचेज टू बैंक मारा होगा 15,000 या 14,700 सीडी, इज इट क्लियर, विल बी रिकॉर्डेड इन, परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल ऑफ 10,000 एंड 10% डीडी 2% सीडी, इज ऑन कैश ऑफ क्रेडिट क्रेडिट सिक्स मंथ, सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 नहीं किया मैंने, ओ सॉरी, सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 एट 5% सीडी एंड द अमाउंट रिसीव वाया डेबिट कार्ड, दिस इज एंटायरली ऑन कैश बेसिस, डेबिट कार्ड मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, तो कौन सा डिस्काउंट लेना है, दोनों लेना है वैसे तो, लेकिन टीडी है नहीं तो नील कर दो, तो 4,000 पे टीडी नील है तो नेट बना 4, उसपे यू टेक 5% विच इज 200, सो नेट अमाउंट इज 3,800। एंट्री क्या बनेगी आप, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट 3,800 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू सेल्स 4,000। आपने सेल किया है, पैसे कम मिले तो नुकसान हो गया, डिस्काउंट अलग, सेल के बाद हमेशा डिस्काउंट अलग, परचेज के बाद हमेशा डिस्काउंट, तो सिक्स्थ वाले की एंट्री होगी बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, बैंक डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, दिस वुड बी 3,800 200 एंड 4,000। आया आपको, ये वाला भी गलत है क्या, हमारा बोल कितना, सीडी है ना, सीडी तो बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही, सीडी आया मतलब चमकना चाहिए, सीडी है तो बुक में रिकॉर्ड होगा, टीडी है तो नहीं, और सेल है तो सोचने का ज्यादा पैसा है कि कम, सेल किया सीडी अलाउ किया तो ज्यादा पैसा मिलेगा कि कम, कम, सो डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, परचेज किया ज्यादा रिकॉर्ड होगी कम, कम तो डिस्काउंट रिसीव, तो सेल के डिस्काउंट अलाउड परचेज के डिस्काउंट रिसीव, गॉट इट, या बिल इज रिकॉर्डेड ना, ये परचेज में सेल में बिल रिकॉर्ड, और सीडी है तो सीडी भी साथ में रिकॉर्ड, सीधा नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल एट 10,000 एट 10% डीडी 2% सीडी, इज इट ऑफ कैश ऑफ क्रेडिट, पार्टी का नाम ही दिया है, फॉरचेज परचेज भी नहीं है, विच डिस्काउंट ओनली टीडी, तो 10,000 पे 10% इज 1,000 दैट इज 9, एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट ऑफ इट टू कपिल 9,000, ओनली परचेज टू कपिल 9,000, बट यहाँ पे सीडी लिया ही नहीं आपने क्योंकि क्रेडिट पे था, तो परचेज टू कपिल 9, ओवर ऑल करेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक, एक भी नहीं है, एक भी चिंटू सभी चिंटू भी नहीं, ठीक है, वन मिस्टेक रहा है, क्या मिस्टेक इसका हुआ है, मिस्टेक सबका सबको आया, क्या था मिस्टेक, 2% लिखा था मैंने, 5% कंसीडर, और इस समय गलती से सीडी ले लिया,
सीडी ले लिया आपको, तो क्रेडिट था फिर भी सीडी था। तुम्हारा चेक सर सेवन का था, डेबिट का क्या नहीं लिखा सर? मैंने डिस्काउंट सीडी लेना तो लेना है उसमें अच्छा नहीं लिखा समझा मिस्टेक समझा बाकी लोग को समझा जिसका एक से ज्यादा हो उनको समझा करेक्शन कर लो अभी का अभी ओके चेक करूंगा निकल जाओ आ जाओ बैक टू सम नंबर नाइन सम नंबर नाइन 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 का इलेवेंथ वन सम नंबर नाइन कंटिन्यू करना जगह वगैरह नहीं छोड़ना है सम नंबर नाइन का इलेवेंथ वन का सम नंबर नाइन का इलेवन देखो ध्यान टेंथ तक हमने किया हुआ था याद है अब पीडी किस पे आता है बताओ मुझे कैश पे क्रेडिट पे दोनों दोनों पे और सीडी कैश पे आता है बराबर है बट कभी कभी ऐसा हो जाए कि आप माल खरीदो लेट्स से 50,000 और टीडी भी मिल गई उसने लालच दी सीडी की इमीडिएटली दोगे तो सीडी दूंगा वरना नहीं दूंगा और आपके पास पूरे पैसे नहीं है आधे ही है तो आपने आधे पे इमीडिएटली पे कर रहे हो ताबड़तो पे कर रहे हो लेकिन पूरे नहीं आधे तो सीडी कितने पे देगा आधे पे देगा बाकी आधे पे नहीं देगा बराबर है ना जो पे किया उसमें मिलेगा जो नहीं किया उस पर नहीं मिलेगा ऐसा भी तो हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ट्रांजेक्शन कैश पे हो या पूरा क्रेडिट पे हो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट पॉसिबल है उसने लालच दी आप बोलोगे पूरे पैसे नहीं है आधे आधे ले ले आधे बाद में देता हूं तो जो बाद में दोगे उसमें कोई सीडी नहीं आएगी जो अभी दे दोगे उसमें सीडी आ जाएगी यही हो रहा है अभी वाले ट्रांजेक्शन इलेवेंथ वन पढ़ो इलेवेंथ परचेज गुड्स ऑफ 10,000 एट 10% टीडी एंड 2% सीडी फ्रॉम विशाल फुल स्टॉप पेड हाफ द अमाउंट पेड हाफ द अमाउंट तो कितना पैसा दिया पूरा किया था आधा ही दिया तो इसका टैकल कैसे करना है पहले तो ग्रॉस अमाउंट लिखो व्हाट इज योर ग्रॉस अमाउंट 10,000 इज द ग्रॉस अमाउंट आराम से बाद में कॉपी कर 10,000 इज द ग्रॉस अमाउंट टीडी किस पे आ रहा है कैश पे क्रेडिट पे दोनों तो पहले टीडी सब्ट्रैक्ट करनी है आपको लेस टीडी इज हाउ मच 10% दोनों पे आता है कैश भी क्रेडिट हो तो वो कर लिया आपने अभी चेक करो हाउ मच आर यू पेइंग पेइंग ओनली हाफ एंड हाफ तो व्हाट इज हाफ ऑफ 9,000 दिस इज कॉल्ड एज द कैश पार्ट एंड व्हाट इज रिमेनिंग हाफ 4,500 मतलब आपने उसको बोला मैं पूरे नहीं दूंगा मैं आधे ही दूं तो आधा आधा कर लो हाफ हाफ अब सीडी वन से वाले पार्ट पे जो कैश पार्ट है उसी पे आएगा सो लेस सीडी कितना बचे 2% ऑफ व्हाट ओनली ऑन द कैश पार्ट 45,290 सो आई थिंक नेट अमाउंट इज 4,410 यहां पर देर आर टू थिंग्स आर हैपनिंग नंबर वन ये एक क्रेडिट कॉम्पोनेंट हो रहा है जिसका पैसा आपने नहीं दिया और ये कैश कॉम्पोनेंट हो रहा है जिसका पैसा आपने दे दिया विथ डिस्काउंट इतना दिया इतना बाकी है तो पहले एंट्री फ्रेम करो क्रेडिट परचेज की यू नो व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट पूरा क्रेडिट व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग ऑन क्रेडिट परचेज टू विशाल डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट राइट हाउ मच परचेज टू विशाल इज हाउ मच क्रेडिट पार्ट इतना पार्ट ये पैसा देना बाकी है 4,500 व्हाट अबाउट दिस पार्ट यू नो व्हाट इज द एंट्री अभी क्रेडिट को रखो साइड पे क्रेडिट का एंट्री क्या था परचेज टू विशाल डेबिट ऑल एक्सपेंस विशाल इज गिवन वो कर दिया अभी मुझे खाली बताओ कैश पार्ट की एंट्री इसको छोड़ो रखो साइड परचेज टू कैश और सीडी भी है तो क्या हो गया एंट्री परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा क्या अलाउड क्यों
बाय किया, पैसा कम दिया तो फायदा हो गया, ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी, रिमेम्बर, ये आपने किया हुआ है रिमेम्बर, परचेज टू विशाल इज द क्रेडिट पार्ट एंड परचेज टू कैश टू डिस्काउंट दिस इज द कैश। ये एंट्री समझ में आई, पैसा आया सॉरी माल आया, पैसा गया, माल आया, कुछ नहीं गया, तो ये क्लब किया था ना हमने, तो इसमें क्या अमाउंट आएगा, परचेज में आएगा आई थिंक 4,500, रिमेनिंग हाफ उसमें से कैश कितना दिया 4410, डिस्काउंट रिसीव कितना 90। हाँ अभी क्रेडिट भी हो रहा है और कैश भी हो रहा है और दोनों एक ही दिन पे हो रहे हैं, पूरा क्लब करो तो क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट, ये परचेज परचेज ऐड हो जाएगा, एक ही डेबिट है, कितना आएगा 45,000 टू विशाल अकाउंट, टू विशाल अकाउंट हाउ मच 4,500 इज द क्रेडिट पार्ट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हाउ मच 4410 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हाउ मच इज डिस्काउंट रिसीव्ड 90, इज दिस क्लियर, तो परचेज अकाउंट डेबिट शुड बी 9,000 टू विशाल, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें एक एंट्री नहीं है, दो एंट्री नहीं है, तीन एंट्रीज है, थ्री एंट्रीज मर्ज एक एंट्री है परचेज टू विशाल, चार अकाउंट एंट्री तीन, एक एंट्री है परचेज टू विशाल, माल खरीदा विशाल इज द गिवर दैट इज 45, एक एंट्री है परचेज टू कैश, माल खरीदा पैसा दिया, और एक एंट्री है परचेज टू डिस्काउंट, माल खरीदा लेकिन कुछ नहीं दिया तो गेन हो गया, क्रेडिट और इनकम से, समझ आया कैसे करना है, पहले क्रेडिट वाला देखो फिर कैश वाला देखो, अभी क्रेडिट और कैश आपने अलग अलग तो किया हुआ है, आपको खाली क्या करना मर्ज, तो मर्ज किया दो परचेज परचेज है इधर विशाल कैश डिस्काउंट। अच्छा ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप विशाल कैश डिस्काउंट लिखो या कैश विशाल डिस्काउंट लिखो या कैश डिस्काउंट विशाल लिखो, ऑल आर वन एंड द डज नॉट मैटर, दिस इज क्लियर, एंट्री लिखना है, और नरेशन में क्या आएगा, बी गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल, बी गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल, इसके लिए फ्रेज ऐड करना है पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट, पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट, पार्टली ऑन कैश पार्टली ऑन क्रेडिट, मतलब थोड़ा दिया थोड़ा बाकी, चलो कॉपी पूरा ये नोट करो, ये करो, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये नहीं करो ये वाला पार्ट खाली इतना नोट करो और ये ध्यान से पानी बोली अंदर से क्या अंदर नहीं सटा लिखो चलो पढ़ो Thank you.
टाइम नहीं है बोला रे तेल बोल लो तो मार कर दो सर ये लोग का फैन हूं गरम कर दो मैं ना हूं पाटोड़ हूं पाटोड़ जो तो पाटोड़ और वन फॉर अमाउंट पर आ गया बेटा मैं बोल के कोई कर ऐसा से इजी से सेकेंड वन 12th या 11th किया आपने भी 12th वाला देखो ध्यान से सी व्हाट आर देखो किसी का नोट्स यहाँ पे रह गया है लास्ट नोट्स See the 11th one, 12th one. Sold goods of 12,000 at 10% CD and 1% CD to Vasant. Received half the amount. Yeah. Received half. Are we receiving full? Half. So full receive करते तो cash हो जाता. कुछ भी receive नहीं करते तो credit होता. ये क्या है? आधा किया. तो party on cash, party on credit. पहले वो तो gross price. 12,000. क्या करना है? 12,000 पे take. 10%. CD 10%. ये तो दोनों पे आता है. है ना? 1200 subtract किया you get 10,800 फिर क्या करो पूरे पे सीडी लेना है नहीं हाफ हाफ इज कैश एंड हाफ इज क्रेडिट 12,000 माइनस 1200 इज 10,800 उसका हाफ हाफ 1/2 दैट इज कैश एंड क्रेडिट सो 5400 इज कैश एंड 5400 इज क्रेडिट इज दैट राइट Yes. Then you go for CD. CD will be calculated on which part? Cash. Only on cash part. Kitna hai? 1%. So that is 54. So what is the net amount? 5, 3, 4, 6. 5, 3, 4, 6. Yahan se samjha?